नमस्ते। आप सोच रहे होंगे कि मैं घड़ी घड़ी लाइव क्यों हो जाता हूँ। मैं बटाका भूंगला खाने आया हूँ। मुझे बताया गया है कि ये नाम बहुत फनी है कि ये बोटाद की सबसे मशहूर डिश है। आपका नाम प्रांजल भाई है? प्रांजल। ये प्रांजल भाई हैं और ये हमारे दोस्त हैं। क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश भाई हैं ये। और ये क्या है? ये वो मावा बिकता है वो है क्या? अच्छा नहीं, ये बटाका भूंगला नहीं है, ये तो मावा है। ये कितने रुपए का मिलता है? 10 रुपीज़। तो इसमें सुपारी होती है और क्या? खोल के दिखाइए ना। सुपारी, तम्बाकू, चूना। सुपारी, तम्बाकू, चूना। काका आप खाते हैं क्या? खाते हैं, फिर ऐसे रगड़ते भी हैं। अच्छा, ये चूना, सुपारी और तम्बाकू, ये तो बुरी चीज है, नहीं खानी चाहिए ना। फिर क्यों खाते हैं आप? ओ, आदत हो गई है क्या? प्रांजल भाई आप भी खाते हैं क्या? नहीं। अच्छा प्रांजल भाई, ये क्या लिखा हुआ है पीछे? ग्राहकोनी रेस्टोरेंट नियम रेस्टोरेंट का नियम है बटेटा सिंह तेलमा जनाब आमा आवे छे, मतलब प्योर है, प्योर तेल सिंह मतलब मूंगफली है। हाँ मूंगफली अरे फरसाण पामोली तेलमा। अच्छा फरसाण जो है वो पामोली तेल में बनता है। और ये बटाका आप बताऊँ ना, मैं दिखा दूँ पास बटाका भूंगला। और टोकन टोकन ले पैसा पहले अपना आपका पैसा छुटा आपका विनती, मतलब पहला पैसा दो और छुट्टा दो टोकन लो। ओहो टोकन ले लो भैया, नहीं मिलेगा नहीं तो। अच्छा काका इसको प्रांजल भाई इसको बटाटा भूखला क्यों बोलते हैं? फेमस है बटाटा। आलू, आलू बटेगा तो आलू कहते हैं। बटाटा आलू है। हाँ आलू और भूंगला। भूंगला मैं दिखा दूँ यहाँ पे। अच्छा ये बटाटा है, ये बटाका है, ये इसके साथ भूंगला, ये भूंगला है। इसको हमारे यहाँ पोला बोलते हैं, मसाला वाला लसन या भाई साहब, ये तो भयानक जहरीला होगा टेस्ट में। तो ये मसाले में क्या क्या होता है? मिर्च और लहसुन, लहसुन मिर्च और तेल, लहसुन मिर्च और तेल। तेल कौन सा होता है? सींग वाला। सींग यहाँ मूंगफली बहुत होता है ना। इसके ऊपर चटनी, नींबू, मेथू, चटनी, नींबू, आपको डिश बना के दे, नींबू, नमक, डिश बना के। और ये क्या है? भेल। भेल तो बनाइए ना फिर। कितने बनाओ? एक मतलब एक तो मैं ही खा लूंगा, एक रजत जी, रजत जी आप खाएंगे ना? अरे भेल नहीं, ये बटाटा भूंगला बहुत मशहूर है यहाँ का। तीन डिश। अच्छा इसमें ये हरी वाली चटनी बनाइए ना, ये एक भेल भी बनाइए। ये क्या है? ये तो पानी पूरी ना मसाला। पानी पूरी भी देते हैं? तो पानी पूरी में जो पानी होती है वो आटे वाला है कि सूजी वाला है? ये तो सूजी वाला लग रहा है। ये भी खिलवाइए ना, ये भी मशहूर है क्या यहाँ का? कह रहे सब मशहूर है, ऐसे थोड़ी ना होता है। भेलपूरी बनाइए ना एक, इसको यहाँ रख देता हूँ। ये इसको हमारे यहाँ पोला बोलते हैं और उंगलियों में फंसा के खाते हैं। ये पामोली ऑयल में बना है, ये भी आपके यहाँ ही बनता है? मारुति। तो ये बाहर भी सप्लाई करते हैं क्या? अच्छा एक मैं टेस्ट भी करूँ, ये तैयार है? नहीं अभी अभी इसमें क्या होना है बनाइए ना। हाँ भयानक मिर्चा है लाल, सुबह आपको याद आएगा बटाटा भूंगला। हाँ बढ़िया लगेगा, पक्का प्रॉमिस। ये तो मीठा वाला आ गया ना, और पूरा इसमें निकालू ना नजर। अभी तू मेरा मॉडल है, ये पोला बोलते हैं हमारे यहाँ। तो आप क्या क्या बोलते हैं इसको? भूंगला। अच्छा इसीलिए वो बटाटा है वो भूंगला है। बेल, हाँ प्याज व्याज डाल दीजिए और चटपटा सा बनाइएगा। अच्छा और उसमें क्या है वो येलो येलो क्या है बटर के बगल में? हाँ ग्रीन चटनी है, देखिए ग्रीन चटनी, वो भी डालिए ना। अच्छा वो डाल दिए, ये तो मस्टर्ड सॉस जैसा लग रहा है। अच्छा ग्रीन, ये वाले सैंडविच में लगाड़वानी से ना ऊपर। अच्छा एक सैंडविच ही बन रहा है क्या? हाँ, सब मिलता है, एक सैंडविच ही बन रहा है। नहीं आप खाइए ना, ये रजत जी खा रहे हैं, खा के बताइएगा कैसा है। जल्दी बताइए, ठीक नहीं बढ़िया बोलो। बढ़िया, पोला में चटनी वाला आलू फंसा के खा रहे हैं, वेरी गुड। और ये भेलपुरी है। और तीसरा क्या बन रहा है वो सैंडविच? ये भी स्पेशलिटी है क्या यहाँ का प्रांजल भाई? सैंडविच में और टोस्ट का सैंडविच, वेजिटेबल, ये तो रेगुलर है। ये रेगुलर है, बटर लगाया, ये वाली चटनी लगाई और ये आलू। एक ये भी बना दीजिए मेरे लिए। और ध्यान रखिएगा आपको वहाँ पे कौन है, प्रकाश भाई हैं। प्रकाश भाई की यहाँ शादी है बहन की, तो आज हमारा काठियावाड़ी थाली का न्योता है। चलेंगे क्या प्रांजल भाई? नहीं चलेंगे। चलिए अपन चलते हैं यहाँ से, पेट पूजा करते हैं। और आप भी कभी बोटाद आइए तो बटाटा भूंगला जरूर खाइए।
ऐसा मेरे ललन टॉप के दोस्तों ने मुझे बताया, और उन्होंने बताया तो मुझे भी पता चला। ये देखिए मेरी एक जगह फोटो आ रही है, ये देखिए, ये जो आपको बाएं वाले कैमरे पे नजर आ रहा है वो सौरभ है, और उसके ऊपर वाले कैमरे पे जो नजर आ रहा है वो सौरभ दी गड्डी है। सौरभ दी गड्डी के चालक कहाँ गए? वो बैठे हुए हैं रमेश जी। क्या सैमसंग का फोन खरीदा है? जरा ये आपको बटाटा भुंगला खिलाऊं। कटारी गए हैं, कटारी को कटारी बोलते हैं। चलिए ये बटाटा भुंगला की आखिरी बार शक्ल देखिए, ये यहाँ की स्पेशल डिश है। तो यहाँ आलू का भी प्रोडक्शन होता है क्या? प्रोडक्शन होता है ना गुजरात का, गुजरात में आलू भी होता है, मूंगफली तो होता ही है, वो तो पक्का पता है मेरे को। आलू हमारा यहाँ उत्तर गुजरात से आता है, आलू उत्तर गुजरात से आता है, और मूंगफली तो इधर भी होता है। मूंगफली तो इधर बहुत है। वैसे इधर सबसे ज्यादा कपास होता है, मूंगफली अरंडी होता है। अमरेली जाओगे ना, अमरेली में सबसे ज्यादा मूंगफली मिलेगी, और कुछ नहीं मिलेगा। अमरेली में मूंगफली मिलेगा, अमरेली जूनागढ़ वाला। हमने सिकंदर वो मूंगफली है ना सुरेंद्र नगर का, वो भी खाया था, उसे सीम बोलते हैं। ये इधर का भी खा, इधर का भी खाएंगे। चलिए आप भी खा लीजिए, इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो गया है। आइए जरा रमेश जी, बटाटा भुंगला खा के बताइए। इधर नीचे बैठ जाओ ना। ये रमेश जी हैं, हमारी गड्डी चलाते हैं। निकालिए निकालिए, इसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ बिहार में? इसको चुस्ता बोलते हैं। चुस्ता मेरे यहाँ पोला बोलते हैं, आपके यहाँ चुस्ता बोलते हैं, यहाँ पे भुंगला बोलते हैं। ऐसे नहीं खाना है मर्दे, उसको ऐसे आलू में डिप करके फिर खाइए। पानी पूरी। चलिए, और ये आ गया मेरा फेवरेट आइटम पानी पूरी। आप लोग आहा लप लप करिए, और कुछ अच्छा सा मजेदार चटपटा आप भी खाइए। बाय बाय। दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।